आज हम स्टडी करेंगे क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल कौन सी होती है जो घरों के बाहर लगी होती है, बाहर मेन स्विच में। वो जैसे ही हम स्विच को दबाएंगे अंदर हमें घंटी सुनाई देती है कि बाहर कोई आया है। ऐसी ही बेल के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो किसी इलेक्ट्रिक बेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है जो ऑन और ऑफ होता है बहुत जल्दी जल्दी, जिसकी वजह से क्या होता है कि छोटा सा हैमर जो है वो वाइब्रेट करता है टन टन टन, एंड हिट अ मेटल गोंग, जो ये वाले मेटल गोंग को बार बार हिट करता है जिससे क्या होगा, हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो व्हाट कॉज एन इलेक्ट्रिक बेल टू बज, क्या होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक जो बेल है वो बजती है। जब हम प्रेस करते हैं स्विच को जो बेल के ऊपर होता है, तो देखिए ये है हमारा स्विच, यहाँ ये हमारी, इसके अंदर वो लगी है बैटरी टाइप या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स लगा है। ये देखिए ये हैमर है और ये हमारी बेल है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसके अंदर से हम सर्किट बनाएंगे मैग्नेटाइज करा के, जिसको ये एडजस्टेबल स्क्रू कॉन्टैक्ट है, ये बेल है हमारी जो पुश करेगा सर्किट कंप्लीट करेंगे जब हम सर्किट को प्रेस करेंगे। स्प्रिंगली मेटल पुल्स आर्मेचर बैक व्हेन कॉन्टैक्ट ब्रोकन विद स्क्रू, क्या होगा ये वापस आ जाएगा जब कॉन्टैक्ट टूट जाएगा स्क्रू का। यहाँ से देखो ऐसे जब ये कॉन्टैक्ट टूट जाएगा तो ये वापस आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये बार बार एक दूसरे को पुल और पुश करते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, ये बार बार इस पर हिट करेगी। सॉफ्ट आयरन आर्मेचर अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन सर्किट इज मेड, तो सर्किट बनेगा तो क्या होगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। सर्किट बनेगा क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये सॉफ्ट आयरन को अपनी तरफ खींचेगा और ये बेल ऊपर टर्न करेगी। इस तरीके से ये काम करता है। तो ये देखिए ये सारी चीज़ इसमें बताई गई है। When armature is attracted towards the electromagnet, जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो ये हैमर को भी इसकी तरफ खींचता है और क्या होगा, फिर अपनी तरफ खींच लेगा एक बार। फिर जैसे इसको अपनी तरफ खींचेगा ना, खींचेगा तो ये इस तरफ हो जाएगी ये हैमर इसका, ये छोटा सा हैमर, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ये इसको तोड़ देगा। इलेक्ट्रिक सर्किट टूटने के बाद क्या होगा, ये जो वापस आ जाएगी ये बेल, क्योंकि अब इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, वापस इसी स्टेट पे आ गई। फिर क्या होगा कि इस तरफ आते ही ये फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर इसको खींचेगा, फिर ये उल्टा हो जाएगा प्रोसेस। बार बार इस तरीके से ये इसको खींचेगा और ये बार बार इस तरीके से रिंग जो है बेल रिंग होती रहेगी। तो इफ़ वी कीप द स्विच ऑन, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये स्टेप बार बार रिपीट होता है, यानी एक बार इसकी तरफ खींचा, इससे क्या हुआ कि ये इस तरफ जाएगी और कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। फिर क्या होगा, कॉन्टैक्ट टूटते ही इलेक्ट्रोमैग्नेट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट खत्म होते ही ये बेल वापस अपनी उसी स्टेट में आ जाएगी जैसे पहले थी, जिससे ये वापस यहीं पर आ जाएगा। फिर क्या होगा, बेल फिर से रिंग करेगी, कब, जब हम स्विच को ऑन रखेंगे। इस तरीके से ये बार बार अट्रैक्ट करेंगे, ये अमर्चर इसको अट्रैक्ट करेगा। अब वर्किंग ऑफ टेलीफोन देखेंगे कि टेलीफोन और डोर बेल्स में इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए जो एक टेलीफोन होता है ना, वो हमारे कान को, हमारे जो ईयर है, ह्यूमन ईयर है, उसको देखकर ही, उसकी स्टडी करके ही बनाया गया है कि हमें किस प्रकार सुनाई देना चाहिए। जैसे हमारा कान है, कान के अंदर ये देखिए ये टेलीफोन का स्विच दिखाया गया है हमें। इसमें क्या होता है कि देखिए सॉफ्ट आयरन की जो बार होती है वो होती है इसमें, तो सॉफ्ट आयरन की बार होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि बार बार वो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको खींचेगा। सेम प्रोसेस होता है जैसे बेल के अंदर होता है। इन टेलीफोन्स द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉज अ थिन शीट ऑफ मेटल टू वाइब्रेट, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से पतली सी शीट होती है मेटल की, वो वाइब्रेट करती है। मेटल काम करता है एक डायग्राम इसमें दिखाया गया है, ये डायफ्राम की तरह काम करता है। इट कैन बी अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, जो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो व्हेन अ करंट फ्लोस थ्रू द वायर, कि जब वायर के अंदर से करंट फ्लो होगा तो सॉफ्ट आयरन बार जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और मेटल डायफ्राम को अपनी तरफ खींचेगा, जो उसमें वाइब्रेशन होंगी। अब जो वाइब्रेशन है उसी को तो हमारा ईयर जो है वो कैच करने के बाद उसको दिमाग में सिग्नल भेजकर पहचानता है कि ये क्या बोल रहा है और क्या आवाज़ है, ये किस तरीके का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो हम घरों में यूज़ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास अर्थ वायर, फिर आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का इस्तेमाल हम करते हैं, फिर आता है हमारे पास मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको हम MCB बोलते हैं, MCB। इसमें होता है देखो अर्थ वायर, तीन टाइप की वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स पाई जाती हैं, एक लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। तो इसमें अर्थ वायर में क्या होता है, ये जो है हमें सिर्फ देखो अर्थ वायर इज़ अ ज़ीरो वोल्टेज, ये ज़ीरो वोल्टेज पर होती है, इट इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड और द अर्थ, ये ज़मीन के साथ कनेक्ट होती है या फिर धरती के साथ। इट प्रोवाइड्स ए पाथ टू फ्लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए काम करती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम द लाइव वायर इन टू द ग्राउंड और द अर्थ, तो जो ज़्यादा अमाउंट में जो करंट होता है वो डायरेक्टली चलता है, कहाँ से वो डायरेक्टली फ्लो करता है, लाइव वायर से ग्राउंड वायर तक। तो देखिए ये हमारे पास जो इसमें ग्रीन कलर की वायर होती है वो हमारी अर्थ वायर है, जो हमारी न्यूट्रल वायर है वो ब्लू कलर की है, और रेड वायर को हम बोलते हैं लाइव वायर। तो ये सारी चीज़ें हमें एक स्विच में देखने को मिलती हैं। इसमें एक होता है फ्यूज़, ये देखिए ये होता है फ्यूज़, ये यहाँ लगा है फ्यूज़ इसमें। तो ये फ्यूज़ का क्या काम है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी में कुछ डिफरेंस होता है, यानी कि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो क्या होगा कि इसके अंदर एक बहुत ही थिन वायर होती है, बहुत ही पतली सी वायर, जो अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ जाएगी तो क्या होगा कि वो थिन वायर हीट अप हो जाएगी, जो कि हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हीट हो जाने के बाद वो टूट जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो करंट है वो इस वायर से आगे नहीं जा पाएगा। जब वो आगे ही नहीं जाएगा तो हमारे किसी अप्लायंस या मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इससे यहीं पर ख़त्म हो जाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं जा पाएगी, यानी कि जो सर्किट है वो यहीं पर ब्रेक हो जाएगा थिन वायर के बंद हो जाने पर, यानी कि टूट जाने पर। अब इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि फिर वो आगे इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने देता। नेक्स्ट है हमारे पास, तो देखिए फ्यूज़ वायर, ये देखो फ्यूज़ ख़राब हो जाने पर वो कैसा हो जाता है, यानी कि वो वायर जो है वो ख़राब हो जाने पर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो नेक्स्ट है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर वो चीज़ होती है जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ की तरीके से होती है, लेकिन थोड़ी सी अलग। तो इसमें क्या होता है, इनको बार बार रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ जाएगी तो वो ऑटोमेटिक ही जो MC है वो सर्किट को ब्रेक कर देती है। ईच सर्किट ब्रेकर इज़ अ स्विच लाइक लीवर, वो स्विच के जैसा लीवर होता है जो कनेक्ट होता है अलग अलग पार्ट से हमारे घर में, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग MC होती है। तो क्या होता है कि ये जो लाइव डिवाइसेस होते हैं, ये एक लाइव डिवाइस होता है जो कट कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट को अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ये सर्किट की तरह, अब देखो अगर जो है फ्यूज़ है, फ्यूज़ अगर ख़राब हो जाएगा तो हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन MC में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता क्योंकि इसके अंदर जो है लाइव स्विच होता है ऑटोमेटिक, जैसे ही वो चेंज होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक ही नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि डैमेज नहीं होगा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारा। तो देखते हैं इसकी एक फ़ोटो, तो ये रही देखिए फ़ोटो, आपने अपने घर में भी देखी होगी एक MCB कैसी दिखाई देती है। तो ये देखिए अपने घर के अंदर ये सारे अप्लायंसेस में ये लगी होती है, अप्लायंसेस का इसका काम होता है सारे स्विचेस में लाइट देना, जैसे ये ऊपर है तो लाइट चल रही है, नीचे हो गई तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है इसमें और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक नीचे हो जाती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।